हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सबकी पसंद पालक पनीर। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन खाने में इसका स्वाद लाजवाब होता है। आप एक बार, जस्ट एक बार इसे इस तरीके से बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम पालक। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पालक हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसे जस्ट हमें इतना ही पकाना है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक पालक ठंडा होता है, तब तक हम कुछ और प्रेपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने 3 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के प्याज हैं तो 2 प्याज काफी होंगे, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर का मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया है। अब हम प्याज और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट लेंगे, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमारा पालक भी ठंडा हो चुका है, तो इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही पेस्ट हमें पालक पनीर के लिए चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, और इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। मिर्च डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और पिंच पर हींग। अब इसको थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम पकाएंगे सुनहरा होने तक। तो ये देखिए, प्याज सुनहरे रंग का हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे भी हम लगभग 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से पक चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसको लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला भुन चुका है, बस हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि मसाले से तेल निकल जाए, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये लगभग तैयार हो ही चुका है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट जो हमने तैयार किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको पतली या थिक ग्रेवी चाहिए, उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आपको इसे पकाना होगा लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर, और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसको लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, पालक का कलर भी चेंज हो गया है, और ये अच्छे से पक चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे पनीर। ये मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, और इसको क्यूब्स में काटा है। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, पालक पनीर ऑलमोस्ट हमारा बन ही चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, और चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पालक पनीर को हम सर्व कर सकते हैं रोटी, नान या फिर राइस के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।